मंगे सज्जनों भक्त मंडली परमेश्वर प्रिय भक्त मैं तो हमारी भारतीय सती बहनों दे अपनी रचना पवित्र करने की वो चौड़ा लोग करना मालिक परमात्मा ओरी प्राप्ति के लिए बड़ा प्रेम से शांति से बड़े उद्धव से और से बीन से दीन मन तन से गज क्या को सच्चे दरबार अब तन्य श्वास के बीच में आई जी है वो नातम बहुत पुण्य कीते बड़ा प्रेम से शांत अमृत वर्त लाके के बीच में शांत वर्ता वर्त चाहे शुक्र राम राम निवाज भी असली वही वही निवाज भी बड़ा प्रेम से शांत इतने भी कोई सज्जन पुण्यात्मा जिथे रहे हैं उतने ही वो आ जाते हैं अब सर्दे से दतरों से देर के लिए साढ़े ऋषिया ने इन सिद्ध बताया जो लोग कोई कार्य राम करना तेर से कर लो कोई उत्तर बड़ी पिछे तो परमात्मा का नाम ये तो बड़े ही प्रेम से शाल है गुरु मां गुरु विष्णु गुरु अरे परमात्मा हमारा रक्षक है गुरु है कर्ता करता है और फिर जितने विश्वास निचा है बड़ा प्रेम से शांत विश्वास बड़ी चीज बनते तुनी राम दी कलालो फिर जपया कर फिर दुर्गति जी गुरु मंत्र ही जो प्राणी तर्क जन प्रष्टन सुख सुख गर्भ करता तो परमात्मा मंत्र ही पढ़िया करो राम 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 ये विष्णु ने कहता राम 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 ये शंकर ने कहता राम 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 सच्चे
बड़ा प्रेषी गणेश गौतम दक्ष सहदेव पंच ईश्वर पंच बड़ा प्रेषी शांत तो पंच तत्व तो पंच नमाजा में पंच टाइम ने सब कट्ठे देखे थोनू मात लोग के मनुष्यों ने परमात्मा की तू ही दस दी जपी जाए तो वाहिगुरु वाहिगुरु यदा भी यही अर्थ है वह पर अपने तत्व है व्याकरण की बात है प्राप्त वस्तु बड़ा प्रेम से शांति बाबा गंगा राधा तिन्ना चल वाहे गुरु वाहे बाबा हा हा वाहे चार अक्षर चार अक्षर में शिक्षा लेते हैं एक एक अक्षर शिक्षा लेते बड़ा प्रेम से शांति आहा या हरी हरती पापा ने दुष्ट चिट्टे भी समझता इन्हीं छत्ती हरती पापा का वो हर हर महादेव शिव काशी विश्वनाथ हर 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 करे तो हारे क्यों हर का नाम दुसारे क्यों हर बार प्रेम से हरी हरती वो पापा ने कैसे निवृत्त करता है जैसे पंज किलो का लोहा तपया हुआ लाल तुसी हाथ से रख लो तो फूकेगा किन्ना संकल्प कर लो तुम भी सानू सेक ना लगे तो सेक तो लगेगा हाथ में फूकेगा तो ऐसी चाहे थोड़ी इच्छा हो ना हो संकल्प करो ना फूके फूके बड़ा प्रेम से छोटे सारे की बात नहीं तो सो आए उन्हें से एक नहीं तक नहीं तकता है इसी प्रकार जिन्हें भगवान का नाम है हरि और तुम श्रेष्ठ हो पापा का नाश कर जिन्हें गोरा हथ का सेक नाश करेगा ना वो पापा का नाश कत्तक कर्म प्रमाणे दोषण काम परमेश्वर से तुलिया व्यापन सब बेरो बेमुखो राम से दक्कन जान छिने कौड़े हो गए जितनी माया बिच में कोई कर सका किस तरह कीता कुछ नहीं बढ़िया लिखे तुरो सजो मट पाती मेरा पर मेरा तो तेरे साहब जो नानक को पर रखला मेरे साहेब बंदी हो कत्त को अगर शासन मिल सह सब मैं अपने शिक्षण साध संगत इक्की हिस्से गुरु करके भी जीवी संगत इक्की हिस्से बता रखे बड़ा प्रेम शिक्षण अपने ऐसे जमें भगवान कथन करते हैं कि राम के नाम मेरा नाम तो राम है तो फिर इतनी बात है जो नाम है जी महिमा वाणी यदि महिमा तो मैं नहीं कथन कर सकता मेरे नाम का किन्ना क महात्मा तो मैं नहीं कर सकता अगर जे कत्तक महात्म का पुन कहिए जो सज्जन सुन रहे हैं तो यदि महिमा गाण का कथन मुश्किल है थोड़ा जा बड़ा प्रेम से दीदी ले लिया कर दीदी तो बिना बड़ा प्रेम से शांत को और जेडे काले चल कोई भी हो हूं तो अजकल तो काले मिलने मुश्किल है नकली काम चल रहा रंग ला देते हैं जेडे पब्लिक जनता ना आई बेईमानी करते रहे गति हो जूगी अब कैसे भी धोखा देना गति हो जूगी रोटी तो मिल जानी है भोजन तो मिलेगा बड़ा प्रेम से दुखी भी सीखा तो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करेंगे तो दुख देगी सुख दीजिए कोले रहनी मुश्किल है ये बड़ा प्रेम से शांत न पाती है कण के पागल निरप चोर अरे अग ज्यादा राजा दंड कर देगा ज्यादा संपत्ति इकट्ठी हो राजा दंड कर देगा नहीं बेचो अब वो ले जाने
दुम शशांक नहीं आग दो अग्निकांड दिन जिसके पाती है जो बड़े भाई का त्याग कर देना धर्म का फिर तीन कोख हो जाते जिस टाइम के बीच में बड़ी बड़ा प्रेमी पातशाह और बने ऊदवादी उत्तम श्रेष्ठ बलिदार उदो बलिदार कानी पुना तो परमाति हो गया कान छ गया और पेट एंड रोटी खा लिया जी तो गरीब है नहीं मिलता वह कोई नहीं दिन है जो मिल गया शक्ल बड़ा प्रेम शीशा अगर जिन्होंने सब को प्राप्त है उन्हें जुम्मन की सिखाएंगी वो थोड़े दिन जुड़ते रहने गरीब भी तो जो मिली भुखा तो आया है उस टाइम का भुख मेरे भी मिली कोई हूं छुटिया के नहीं मिली पेट की पटारी भुख का दुख भी सबसे बड़ा है पेट की पटारी लाई मुख चारी और मां तीन महात्मा ने पेट ही नहीं लाना एक टुकड़े के लिए गली गली जाना था दखन की मार दिया जगह जगह के पिछले भगवान के नाम कोई जेड़ा है कंधा लावा थोड़े मंडी के बीच भी जाता है कोई जीव लाओ मार दी करना दखन दी थोड़े दिमाग में भी चलेगी क्या गवर्नमेंट ने सारा इलाका इकट्ठा होकर कह नहीं सकता जाए इतनी बात में किन्नी दरगंदी यदा बड़ा प्रभाव पैदा सब बीमारियों का कारण है शोर कर्म के बीच में विघ्न पा गया अगर जितते शुष्क अंग्रेजों का राज होगा रह जाएगा ही जी दरगंदी बड़ा प्रेक्षित शुष्क जो गल रहेगी फुट चंदरी जिन्हों ने करके थोड़ी फुट ने मारना यह फुट की कृपा है फुट तक कितने भी पे मैं थोड़ा कई दफा दृष्टांत सुनाया राजा बिक्रम घूमते फिरते कि पब्लिक की जनता की तंदुरुस्ती के लिए चक्कर कट गए तो ब्राह्मण मिल गया बारह तिलक है गोरा राजा हूं तक दसने के पता लगू कौन है तू कि चोटी तो किसी की रही चोटी के लिए साढ़े बड़े शरीर शक्ति दीन मानता अनुसार सिखा चोटी तो कल युग के बड़ो की सकता तिलक दिंजू नौवी पाशी कह रहे कल युग के बीच बड़ा दीन मानता अंदर जिंजू तिलका दी रक्षक है तिलक नौ पाशी इस पता नहीं लगता होगा भी कौन है दसने से पता लगता रंग रूप रेखा वह पता नहीं वो भी दसने से पता बड़ा प्रेम शीशा जब महाराज देखा रंग और नमस्कार किया उत्तर के कारण डाउ तो तुम बड़ा है नमस्कार किया बड़ा प्रेम क्योंकि की चाहिए संपत्ति कोई ना कोई संपत्ति आती बड़ा प्रेम तो घर ने पूछे सलाह लिया जाएगा और फिर तू मंग रहा घर के नाला जी को सलाह भी किसी पुण्यात्मा नहीं लो उदार आत्मी ले लो जिनका कोई पराग है विवेक है पंच भी से भी तब्य स्थापित है पंच भी से पंच भी से बतब्य मत को पंच भी से ये पाशकाल के बड़े दिव्य वो बोल रहे हैं सारी उम्र ब्रह्मचर्य जी के बीच में गई वह तो रोक है 1200 साल हो गए ब्रह्म बने और पांच गुण हैं पांच गुण लिखे ने पांच प्रमाण पांच प्रधान पंचा का गुरु पंचा गुरु दरगाह के बीच में मान लो आओ दे पास बैठो टुटो चलो बातचीत करो तुम्हें दुख नहीं कराते और तुम से टुटे अगर पांच विशेष दुख देने वाले भी हैं
और बड़ा प्रेम से शांति काम करो खाए को पहले। इस प्रकार घर में गया तो बाद में पूछे कुकुश मंग रहा कुकुश मंग रहे परिवार के बीच में घरानी संपत्ति बच्चे एक कोई किसी घराने नहीं छोटी सी मुँह खासी मुँह मेरे पिताजी की बात है कहते राजा खुश हो गए। फिर पहले तो आप ब्राह्मण हो ठीक है पिछा है पेट की शरीर की रिक्षा के लिए ये तो मंगने पड़ेगा पिछे अपना धर्म है उत्तम श्रेष्ठ पर कुछ ही होर ना बनो वो कहने के राजा खुश हो गया है कहीं मैं फिर तुम अपने घर के बीच में फुट ना पड़े तुम ये मंगना फुट ना पड़े जिते फुट पी गए बड़ा प्रेम से बड़ा दुख दिखा देश में पेगी घर में पेगी पिंड में पड़ेगी जे फुट ना हो तो पिंड के बीच में नालिया गंदगियां ये भगवान के कई साढ़े महात्मा पिंडा च आना जाना छे की जाइए पे दंगा दे भरे पे दुर्गंधी दे भरे पे राग गए थे बंद गलिया बंद करें पे मैं नहीं टप्पण देता है मेरे बारवी की गली ना टुटे नाली ना टप्पे तो फिर बनाई गई सी जो टप्पणी गंद ही भरिया पे ऐसे लिए बेटी विचार कर लो फिर राजे लोगों का ख्याल होंगे किसे कहते नहीं हमारा धर्म है तप त्याग हमारा धर्म है निरपेक्ष महाराज कथन करते हैं ये बड़ा प्रेम शिष्य निर्वैर से ब्राह्मण से तू देह जी न सोखा है कदाचार तप क्लेश धर्म है प्रीत्या मोक्ष है सर्वदा ये बड़ा प्रेम से शांति तिंग प्रण महात्म ने श्लोक आता ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए होंगे भोगा के लिए नहीं होंगे सहनशीलता के लिए होंगे मंत्र आदि बड़ा प्रेम से शक्तिशाली है ना सुखा है आयस परसी के लिए भी होता है सहनशीलता तपस्या धुंदा ना सहन गुस्सा ही बड़ा प्रभु प्रेमी सहनशीलता कितने माड़ा जा शेर ही नहीं बोलते दिन तो आई बात है क्यों नहीं छोटा कोई सतोगुणी है कहते हाथ ला के देख रहे फिर लग नहीं पता जो सीधा कबूता नहीं अग नहीं ना तो जो शिक्षा देंगे फिर तो कत नहीं तो ऐसा क्रूर सवाल ऐसी गलती तू तो दुख दे होगी स्वामी ने इंसान दुख दे भूषण का भूषण क्यों सारे भूषण से भूषण की असील हो सतोगुणी सवाल एक भूषण ही कहना है पर पहने नहीं जाता गलत कोई शूर भी पहनता है जिसने इंद्रियों के कटवाण कर लिया छोटा शूर भी नहीं वो तो बड़ा शूर भी है बड़ा प्रेम खैर आए क्यों नहीं देवता कहते मैंने कोई चीज नहीं चाहिए किसी चीज की लोड़ नहीं हैगी बड़ा प्रेम से शांति वो कहने लगे क्या तेरा परिवार ही कहते हैं बस ना परिवार ने तो कहना संपत्ति मंगी एक छोटी सलूखा है मैं उन्हें कथन किया कि कोई वस्तु नहीं मिली बस फुट ना पड़े घर के बीच में सारे की बाणी एक किस्त हो एक सज्जन उक्का रख लिया करे को सारा परिवार बह जाए करे सुनी सुनू का मूह तुम हुक्का पीते रहे नहीं फिर बेचारे को रखे जब पीने ही नहीं है कह लगे जी कोई साढ़े पट्टिया का ही नहीं है जो पीए ना पीए बड़ा प्रेम से शांति से असं फिर सारे हाथ में कट्ठे हो जाते फिर बचा कर कल को सब्जी की बननी चाहिए रोटी पानी कैसा बनना चाहिए
कपला लीला की रे कोई नहीं है। वो फिर खर्च विचार करते हैं भी आज आमदनी की नहीं हुई है तो खर्च करना गया। अगर यदि आमदनी तो पांच पैसे हो गए तो चार पैसे की आमदनी हुई है खर्च हो गए पांच तो फिर तो एक रुपया सोते बदी तो ले वो खर्च कितों पावन ब्याज भी ना देखो कोई ना ये ब्याज रुपये देने को मोदी क्यों चाचू क्या पंथ चक वार्ता बदले चतर पक्षना नहीं मिलता जिंतु बांधवा मेरे चार पक्षना के बीच में जब चरा कथन करे पक्ष जुरिष्ट फिर तेरे भाई का अंग सोनी तो युधिष्ठ बोलता है श्लोक महाभारत श्लोक देवस्य अष्टमी पाद शाप उपस्थित स्वगृह ऋणी च प्रवासी चाहिए चाहे अष्ट पैर मांगो रोटी खा लो और रुखी भी सी खा लो जे कितने भुखे रह गए कोई डर नहीं रह गए रह गए और फिर साग सब्जी मूंह तो बिना जैसे सबको पैसो गई है पदाव के खर्च हो गए किराए के खर्च ना तो कर्जा ना देना हो कर्जा ना देना हो तो वो सुखी है वो आदमी सुखी है रज के सोए जिन्हें ब्याजू पैसे देने तो बाद तो नहीं जाने रोज ही बल बड़ा अपना से उतारने का प्रचत करना वो खुशी आती थी असं फिर विचार कर लेते महाराज भी वो एक तो पैसा जोड़ा है वो क्यों नहीं ज्यादा खर्चा एक तो पैसा अमीर ही चाहिए एक एक चीजें घटता पैन लगे तो जिन्हें घरों चाहे विचार होंगे अगर परिवार बह के सलाह करता है तो उसे दुख च में आऊ बाणी रस बदल जस्या भाजा संजन भी जस्या सुरजा है जिथे परिवार की एक रह है घर भी पुत्र आज्ञाकारी है नजायज खर्च नहीं है शरीर तंदुरुस्त है कोई दुश्मनी नहीं हैगी बड़ा प्रेम से शांति से उस घर में मुकुंठ बताया सुर्ग बताया उसे लक्ष्मी रही खूब प्रेम से लक्ष्मी का तुम सारे सदों में दीवे बनो अविशेष ने नारे तो लक्ष्मी तो नहीं आएगी इन्हें जगह के बीच जिस जगह के बीच में ग्यारह चीजा आ गई उसे लक्ष्मी का बड़ा मुश्किल है द्योतु मध्यम पिशतु ईश्य पापा पिछा जो पर्दा से भी तन सत व्यसन घोरा तो कोरोना नजायज खर्च बड़ा प्रेम से शांत तो कला लड़ाई चलना बड़ा प्रेम से शांत फोटो जिसे फोटो पड़ी है जूड़ा शराब मास निंदा और बद फैलनी हराम ते लक बने हुए हैं कम करने हराम दे मिले जो मेरे न झूठ और चाच पे झूठ ही झूठ बकारा का चिंतन बड़ा प्रेम ऐसे में व्यसनी व्यसन जी नहीं लगे तो फिर जितने चीजा आई हैं लक्ष्मी कि मैं आऊंगी लक्ष्मी आए सुबह पग पगों तक पग ला सुबह शास्त्रों की गर्ज का सा सुना का निरंतरण श्रेणियों के तुल्य ने गृह नेता नहीं चाहे ऐसे आएगी लक्ष्मी ये जिड़े गुण हैं ना ये जगह के बीच में लक्ष्मी आएगी बड़ा प्रेम प्रिय वाणी मिठी वाणी दया दृष्टि दया दृष्टि बलोकन की ना दास का दुख मारेगा दया दृष्टि जिम्मे बाबे नानक ने कूड़ी का कोड़ पाया सात सुहाग भी छद लिया गया था पखंड करता पर वो पूर्तिक्र मैं पखंडी कर फिर भी कोई नहीं
जेगा मनुष्य कोई कर्तव्य पाप हो गया, चलो हो गया, पर फिर भी भगवान की छवनी आ गई। वो बड़े दयालु थे, वो तो इतों तक कथन करते ने अनन्न भाव से केरा मेरी छवनी आ जाओ। फिर मैं पिछले उगड़ भी देख लिया, फिर मैंने लज्जा आती है भी छवनी जेड़े आ गए, फिर तेरी छन पेगी की विशेषता जी पाप ही रही नरकी बात। प्रभु यदि नरकी देखना है दर्शन परशन मंजन पाना हरे पाप गए वेद पर बड़ा प्रेम शेषन पाना तो केतनी महाराज जी तो पान कैसे कथन करेगी, किस वस्तु कथन करेगा, पीना दुद्ध ये तो कबेर दे बड़ा पुत्र जे हे नलकूबर भागवत के बीच में सरोक आता है बड़ा तो भगवान ने कित शरीर के स्पर्श से वृक्ष गिर के भगवान को स्पर्श थे अभी भगवान की उस्तुति करते नो ऐसा श्लोक तो है ये तो वृक्ष से जड़ रूपी के इसीलिए तो हरेक का किसी का कचरा खबर है कि जूनी के बीच भी कौन क्या आपके कर्म को गए हर निर्ग कि परमात्मा से राजा तथा चमारते वर्षे राजा भक्ति धर्म का अन्न दो दीर गुमा जी चबी दिते सुख संपदा जिस टाइम के बीच में कीड़ा दौड़िया तुरै रहा गड्ढे का खड़का सुन के तो वेद व्यास जी बड़ा प्रेम से शांति से कथन कर बाबा नानक माला मरदा ना कहने के महाराज जी क्यों भेजा जा रहा है, कहने विचार कर लो महाराज तुम दसो, कहने ये कीड़ा हम गड्ढे तो डरता भी टहा ना आ जा मेरी मृत्यु हो जू। ये सोलह ना भयंकर बने सोलह ना भयंकर बन गए, अगर ऐसा कर्म किया कीड़ा बनना पड़ा कर्म दोष से कीड़ा बनना पड़ेगा। इंद्र इसलिए खबर है कोई पुन्ना तो कोई ही जी बड़ा प्रेम से शांति से कोई कर्म आ गया दक्ष बनना पड़ेगा जानवर बनना पड़ेगा, तो कर्म का जन्म का लिखा पे जगह जगह के पीछे बाबा नानक खुद डट के कथन करते हैं इस मन को जन्म जयंती मान ला काला हुआ शब्द खिंडी तो जो जेसु तो वहां पर देखो लिखा और बड़ा प्रेम से चमक भगवान कथन करते हैं अंत काल जो लक्ष्मण से ऐसी चिंता में ये बने संत जो मन बस ये शब्द सारा कथन कर रहे हैं साधन तो फिर तो मन नहीं पड़ेगा इस प्रकार किस चुनी के बीच में कोई इज्जत है क्यों दर्शाते कर भोग रहे हैं पर गवर्नमेंट बैठी है जिन्हों का कोई धर्म करना है राजे का बादशो दंड करे वो कर दे क्रिया बड़ा प्रेम शिशन जो कर्म कर्म कथन करना है हम तो जनता हाँ अभी मेहनत करो बड़ा प्रेम शिशन ऐसे बाणी भगवान के निगुण इतनी बात है सरण प्रसरण कर जाइए जंबक का सर तो जी शेर की शरण की फायदा जो गिदड़ी खा गया तब गुण कहा जगत गोरा जो कर्म नमा सा फिर थोड़ी विशेषता की जी कर्म ही रहेगी कानून तो रहा फिर साधना है प्रभु हे नर प्रार्थना कर फिर तुम भर ले नलकू बरादी के बच्चे कबीर जन भर बाणी गुणा ना कसनी हे प्रभु हे नर जिहड़ी साडी बाणी है बोलना चलना है ये छोटे गुण का रही हे परमात्मा कह जाए दिल्ला कहे जे कर्तव्य कहे जे छंद अकाल गुरु जी पद नाम श्रेष्ठ निश्चारण गगन श्रेष्ठ मेघ वायु सोभा लक्ष्मी कांत कमल जो भी जीवन पंथे भी छूता से गुरु जी ना
मर्जे प्रसिद्ध नवने जो बांगे मजकुन अनेक जन्म तर जपा कुपा कर कर चल कर कुशन पंशी वो ऊंचा तकारा नवने थोड़े गुना लगा नहीं कर बाणी गुना न कर तो माने जिरे हाथ न एक कर्म कर हाथ से सब कर्म कर जनता भी से खैर कोई किसी ने विशेष सुनता हुआ पुण्यता न जगह पर हम तो आपके जीवन के बीच में जुड़ी जनता की सेवा है जनता एक भी सुधरे एक दिन भी सीधे रास्ते पा दे तो पिंड का तो लाद रहेगा पिंड के बीच में एक भी सज्जन हो गए तो पुण्यात्मा कई अनुभव है जनता की सेवा बड़ा प्रेम शिष्य शुभ पर इतनी बात है हड़प ना करे संपत्ति माता पिता मारे ना कथन करे गति किमें होगी संपत्ति आई है पब्लिक की जनता की गवर्नमेंट ने दी है सेवा के लिए तो बच्चों अद्धे खिंचे जाते फिर गति वाला काम बड़ा प्रेम चट्टाने ने दिते पैसे सरसे गौशाला विवेकी प्रभ मेरे को छापाइया पाइया तो श्रद्धालु का कुसंगी का पता लग जाए वो किरिया की बाणी वो चलन चल मैंने गौशाला पानी मैं पाल कोई डर नहीं है पाँ गौशाला पैगियां साढ़े इतों पगत ने जनता ने पातीया तुम पाल पर इतनी बात है जो पैसा होगा वो साल साढ़े हाथ च होगा चीज लियानी है देनी है सब साढ़े हाथ च हो साल थोड़े को नहीं होगी थोड़े वाला हिसाब तो फिर तीजे साल साल आऊंगा मुड़ के आए ही नहीं मेरे को आए नहीं होंगे सामने तो लैन देन कुछ नहीं रघुशा कुछ सांचा कम कोई भी है सिरे चढ़ूगा निश्चित हो गए बुरे बड़े इतनी बात परोपकार परोपकार भी वही कर सकता सज्जनों जिदे को सब है जिदे को सब न परोपकार नहीं कर सकता तो जो छित्री पेंदे ने बदनामी होगी फिर जीवन चुकनी न को तुशी के जद्दत को पा दी सत्य के तापसा भी को मृत्यु शास्त्र कह रहे लोग वैश्च गुणे न कह जी रोटी है तो गुण की कर रही गुणा दे कर गया पानी लोग बनासे नानका जो पानी ने दिया सब चलिए चित सब उड़ जाए बीमारियां आ जाएंगी लोग जिते वो तो बड़ा कुछ आ गया फिट लाणक भी नरक भी आप जस भी सब कुछ फिर हम की कर गए कला लोग भी बहुत है शरीर में बीमारी थोड़ी जी बहुत है किसी भी शरीर में कोई थोड़ी घनी है चलो कुछ नहीं कोई बीमारी दंद हिलता है तो दंद हिलते कहीं निकल जाऊंगी कोई होर शरीर में खुजली है तो उधर जाए लोगों में कृष्ण पर देने के बाद यदि निंदा करता तो होर पाप करने की कोई नहीं निंदुक का मैला चार बड़ा तो निंदुक आविंदा कर्म कर्म सदा वेद रूपी होता है उत्तम श्रेष्ठ बड़ा प्रेमश शिशुपाल का प्रकरण देख लो पढ़ करता उत्तम श्रेष्ठ तो शिशुपाल जरा से जिस दिन के बीच में और पिता के घर के बीच में शिशुपाल की माता जी गई तो भगवान भी गए जावे इसका जन्म होया से चार कुला तीन नेत्र लक्षण जो है लोग कहने देवी तो रूपरेखी ऐसी है कैसा होना अगर आकाशवाणी होती है और
बाणी करने में पहनी है भी जिसने मूहे होने से खड़ने से एक नेत्र टूट जाएगा, दो पूजा निवृत्त हो जाएगा। सूर्य मारे अखीर भगवान जो गए सामने दोनों पूजा निवृत्त हो गई, नेत्र दो रहे बेटा तुम मारेगी मेरे बच्चे को, अपनी तो सकीरी बनती है को प्रेम से शांति। वो कहने लगे माता जी मैं तो नहीं मार दांगा, ये कर्तव्य मार लो, किसी ने कोई नहीं मारना, जगह व्यवहार गंदा है वो मार दे, तो जे 14 मुर्दे जिंदे ही रहो एकदम मारिया जाता मरिया जाता कौल काम बस कर तो जुड़ा आन आ जाऊंगा। आ रही है गवाली 14 मुर्दे की गिनती ना दी कितनी, अगर इनमें जागी तो फिर लक्ष्मी कितों आ जाऊगी, कौन काम पास कृपण मूढ़ा अतिश दिलिदरी अजसी लूटा, सदा रोग संत विरोधी राम सुख संत विरोधी, तन कोश की निंदक खानी जीवित शब्द सन 14 अपराधी। ये 14 आ गए जिंदे मुर्दे, बरी के बीच में गुण आ गए से अवगुण, बड़ा प्रेम से खाना पीना हो व्यवहार के बीच में। तो इंद्र ने विचार किया हमारे जी तो काम छड़ गए, फिर इतने भी तो लय के मातलोक जो कर्तव्य करेगा, मातलोक के बीच में तो देवता है, भगवान देव जी श्री से बने हुआ है, देवते तो बढ़े हो तुम जी आवे गुणा कमी देखो मन को जो स्वरूप है मुंह देखा अपना की है, बंदे बंदगी हरी की कर लो तेरा बेला है, सिर पुरख के कार हाथ में दे दिया बिना भगवान जाम की चोट सहारी ना, ध्यान धर्म सतोत सत में दिलो विसारी ना, ठगी करके सुति ने दसकी पाया सी, श्री बज्जर की के भीमनी मार बनाया सी, करता जो भगवान जिसको मिले मरारी ना, ध्यान धर्म संतोख सतनु दिलों विसारी ना। हरिचंद ने धर्मपाल ठीक दिखाया जी, सने के ग्यासों को पात गाया जी, जुड़िया ले गया सूरपरी को डेल दी जा रही ना, ध्यान धर्म संतोख सतनु दिन श्री राजा ने धर्मपाल की दिखाई, तल्ले रख कबूतर अपनी देह तलवाई जी, भगवान ले गए पकड़ भुजा को शीश उतारी ना, दिया धर्म संतोख सतनु दिनों विसारी। ठगी उत्तम सृष्ट जहां रहे संतोख वहां पर दिखता आवे ना, जहां नहीं संतोख वहां पर सुखी दिखावे ना, करता जो अपमान तुझको मिले मरारी ना, कट्टे जान के पाप नाम जो जाप कर ले जाने मुल्क ला रहे देखी हार लेते, नानक दशमेश कभी दिनों पुराई ना, दिया धर्म संतोख सतनु दिलो विसारी ना, गद के आखो सफा एक पासे ताली चोरी जारी निंदा, चोरी जारी निंदा ठगी छड़ दे चारे रे, करे प्रीति इसमें पंगी मारेगी, करता जो अब मान किसको मिले मरारी ना, ये चार भी एक पासे आ गई पलट, चोरी जारी ठगी निंदा ज्ञा धर्म संतोख सत एक पासे आ गए, जिन्ना ने दान की थी इसलिए बनी तेरे च कर्तव्य। तो सहायता तो किसी भी लेनी चले भगवान पास गए, मारे स्वर्ग में रहना मुश्किल है मेरा राज जाए, अरे इतनी बात है उत्तम श्रेष्ठ तुसी बली नू पिछा मिले उत्तम श्रेष्ठ, कोई ना कोई उतार करके अगर ये जड़े ज्यादा पुन्ना भी है बहुत कट्ठे हुए हैं तो इंद्र बनेगा राज तो ऐसा बड़ा होता। भगवान तो कहने लगे चलो तेरे देवतें सहायता कर, चाहे ऊपर से भगवान किसी भी रक्षा कर पर अंदरों का जब भी भीष्म पितामह ने कथन किया दुर्योधन हाँ मदद करेंगे, पर जेड़ा साडा मन है ये तो पांडव के नहीं कहेगा, मानसिक संकल्प करेंगे अच्छे पांडवा का
तो ऊपर से करेंगे थोड़ा, फिर जो मानसिक निकाल हो गया फिर कौरवानी विजय की नहीं होगी। प्रेम से शांति सालने में ही क्या अधिकार मिलना, तेरा रखवा ही मैं बन जाना। पर इनकी माता मेरा जरा संकल्प है वो पांडवा के नहीं जाएगा, ऊपर से तेरा रखा करूंगा। महाराज ब्राह्मी देवता ने भी यही कहता द्रोणा चार देना बाहरी भी नहीं भेज ने भी यही कथन करता पांच के निरीक्षण इन्होंने भी कथन करता मनता साडा पांडवा के नहीं लड़ूंगा। मन से तो संकल्प से भी कथन कराने पर इतनी बात है ऊपर से भी, ऊपर से कोई और बात होती है राजनीति तो है। तो फिर वो संकल्प ही है जेडे महापुरुषा के हो गए इन्होंने विजय होनी चाहिए। अब भी पाटन सी लिया नेतो बढ़ते से भी ना चुटारी कशा बर्तन थी आदि विद्य जसो वरुण मोक्ष द्वारे द्वार पार तथा छमो विचवर चिंता चल। तो फिर संकल्प के भी पूरा है। इस प्रकार महाराजा बड़ा प्रेम श्री नारायण हरि मंगने से देख लो कितना रूप धारण कम है। ओम प्रभात चक्षु किड्डी रूपरेखा है भगवान का और उत्तम श्रेष्ठ बवंजा अंगणा का रूप जेड़ा बवंजा उंगलों का बच्चा होंगे ना जिन्ना चेर बवंजा उंगलों का रहे ये पैर नहीं लाने चाहिए। भगवान ने रूप धारण किया सी बवंजा उंगलों बच्चे के पैर नहीं लाने चाहिए, कन्या के पैर नहीं लाने चाहिए, गहू के पैर नहीं लाने चाहिए और पिपल आदि तुलसी आदि पूजनीय पैर नहीं लाने चाहिए, चिट्टी सरों के पैर नहीं लाने चाहिए। अनाज अच्छी है जो निकालते हैं कोई ऐसी टाइम हो गए कढ़ना पढ़ना संभालना पैदा पर ऐसे फालतू अनाज के पैर नहीं लाने चाहिए और जो पूजनीय साढ़े इन्होंने पैर नहीं लाने चाहिए। पैर से असारा भी कम करना चाहिए, पैर तक के इशारा कथन करना, खब्बे हाथ से बड़े बुजुर्गों कोई चीज नहीं पकड़नी चाहिए। तिरस्कार के बाद कर थोड़े पुण्य चले जाएंगे पापा के पागे बन गए बड़े प्रेम से शांति से उत्तम से भगवान ना जो करूँ कन्या दुर्गा है क्यों पैर ला माता पिता क्यों पैर ला अगर पूजनी है चीज मुझे क्यों पैदा इस प्रकार बड़ा प्रेम से शांति अमंगल की जाना है। फिर सोच नहीं कथन उत्तम श्रेष्ठ अगर मंगल को मर्यादा ना रखूंगे तो जिस टाइम के बीच में दीकी ने कथन किया था भगवान ने मेरे घर के बीच में इंद्र को मारने वाला बच्चा पैदा इंद्र ने मेरे बच्चे खत्म करता है बड़ा प्रेम से शूर भी पुत्र ने पैदा इंद्र ने टोटे करते चौपंजा टोटे बवंजा प्रकार की हाल ऐसा वो कहने लगे देवी ठीक है तेरे घर के बीच पर मर्यादा देना बड़ा प्रेम से शांति कोई गर्दी वाला कपड़ा नहीं पहनना होगा जब पेट में बच्चा हो मास्टर से काम होने चाहिए नम नहीं बदलने देने चाहिए दंद साफ होना चाहिए बच्चे के वह जहाँ प्रभाव पवान वह जो बुद्धिमान बच्चा जैसे माता दे शुष्क के रहते से बड़ा प्रेम से गिले पैर नहीं पहना चाहिए गिले सिर नहीं पहना चाहिए पहना की तरफ सिर करके नहीं पहना चाहिए इंद्र का राक्षस का प्रवेश हो बचेरा समझाया से पर करतू करतू मर तू करतू तो जी परमात्मा ने कहनी वो कौन मिटाएगा। इसलिए महाराज कदों मनुष्य चाहता भी मैनू बीमारी लग जाए कदों मनुष्य चाहता भी मैनू मुकदमा पै जाए कदों मनुष्य चाहता भी साढ़े फुट पै जाए और बड़ा बड़ा मुश्किल कोई भी चाहता पर यह तेरी बात है जी पर रखता वो जबरदस्ती पड़ जाते मनुष्य को पता ही नहीं लगता है सारे बार देते समझाता फिर गिले पैरी पैना की तरफ सिर करके सो
पहला किताब सरकार के मिशेल होने साथ गिल्ले पैर पेट में बच्चा हुए नहीं पड़े गिल्ले से नहीं पड़ा था गिरीज के रहने तो थोड़ी थी हरे के मत्थे नहीं रखना चाहिए अक्ष पैदल घर के बीच में बड़ा प्रेम से शांति से बच्चे ने जन्म लेना और हरेक के दर्शन नहीं करने चाहिए किसी पुण्यात्मा की फोटो रखो किसी धर्मात्मा की फोटो रखो किसी शिवजी की फोटो रखो पुण्यात्मा जीजा भाई शिवाजी ने जो जन्म लिया हुआ बड़ा प्रेम से दत्तात्रेय की पूजा कर दत्तात्रेय की फोटो रखो बड़ा चौंग गुरु से ना दत्तात्रेय गुणग्राही बने तो जो मैं दत्तात्रेय मेरा बच्चा भी गुणग्राही बने बच्चे में संस्कार पढ़ते जय जी कि जिस टाइम के बीच में आ चक्कर अबूज का किला तोड़ना सी जयद्रथ ने बनाया हुआ सीगा सी सेना ऐसी खड़ाई हुई सी किले की तरह सेना खड़ाई हुई सी तो महाराज कहने लगे कौन तोड़ेगा जाता अब अभिनू तोड़ सकता अर्जुन का पुत्र अजा अर्जुन तोड़ सकता जा सात की तोड़ सकता है जा भगवान के पोतरे दुर्ग तोड़ सकता है छी आदमी तोड़ सकते हैं ये किला नहीं टूटे ऐसा से अखीर तीन बात है युधिष्ठिर ने अभिमन्यु ने कथन किया बेटा तुम किले को तोड़ो वो कहते ताऊ बड़ा प्रेम मैं तोड़ सकता हूं पर इतनी बात मैं ये प्रवेश हो जू मैं निकल नहीं जाना मेरे निकल नहीं जाने क्यों जिस टाइम के बीच में मेरा पिता मेरी माता ने एक कथा सुना रहा है बड़ा प्रेम सुभद्रा दी खूब प्रेम से शांति से तो उदो मेरी माता जागती सी तो मैं भी सुनता सी जो किले चो निकलना सी उदो माता सौ गई तो नाली मैं सौ गया निकल नहीं मैं जाता वो कहने में बेटा इतनी बात है हम तेरे मंगल रक्षा कथन करेंगे तुसी हम तो अगर प्रवेश प्रवेश हो के हरेक नहीं हो सकता अब मनु प्रवेश हो चाच पीरो सेना दी तो निकल निकालना नहीं तो चाच पीरो सेना रोकती यदि कथन किया जयद्रथ ने महाराज ने अगर एक दिन मैं अर्जुन रोक दिया युद्ध के बीच में अगर एक दिन के बीच में मैं तो ये पूछे रहे मैंने भी देना बरात कथन कर ये बार मंगया हुआ सी कैसे तो अर्जुन गया तो तू एक युद्ध के लिए अगर फिर रोकने का बार मंगया से मैं रोक दे इन्होंने फिर जो निजू जेडे दिल्ली से लक तो नीचे चोट नहीं मारना खुले सिर चोट नहीं मारना छड़ी में आ गया चोट नहीं मारना बड़ा प्रेम से शांति से आस्तर शास्त्र को ना हो फिर युद्ध नहीं करना कोई हथियार टूट गया रस नहीं फिर चोट नहीं मारना ये निजू से दिन शिके तो बाद रखना नहीं समझा कर अगर जो तो गुस्सा आंदा चंडाल उदो निजू भी नहीं रहते हैं जो चार छपे सेना घसान युग होता तो लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र इन्हें पिछले पासे दी ये सच गला मारी अगर छी महारथियों ने घेर लिया एक तो नहीं मरिया छी महारथियों ने वो भी धोखे ना मारे नहीं मरता नहीं बिल्कुल निगाड़ना नहीं क्यों माता सौमी सी सौमी करके इतनी बात तुम्हें पता नहीं लगे कितने निकल ऐसे लिए बच्चा संस्कार करके बड़ा प्रेम से शांति से किसी नलायक दे कुछ संगी दे कदे भी इतनी बात है नंबर बवेत ना तिकला नहीं तो शायद कथन करता है जेड़ी कोई दाई दूई हुंदी है ये भी कोई सज्जनी हो शुद्ध करिया होनी चाहिए बच्चे के प्रभाव पर नागवा कट्टा जाता है
ये भी इतनी बातें डेरी नहीं होनी चाहिए। जिड़ा माता का संबंध था ना नाली का, वो बच्चे का पहले कट्टिया जाता मूह थोड़ा जा, वो जल्दी कट्टना चाहिए, जन्म नहीं दे कट देना चाहिए। अगर नहीं तो उसके बीच में ऐसी प्रवेश बाजू पैदा हो जाए, बच्चे ने संस्कार बदल देते, उल्ट पड़ जाते, जल्दी कटना चाहिए। वो पुत्र बाजू नाभि द्वारा भी संस्कार चले जाते और बच्चे लगने से भी संस्कार चले जाते। इसीलिए साढ़े बुजुर्ग घर के बीच में जो भी संतान ने जन्म लेने, चार महीने पहले घर के बीच में कन्या ने, और क्योंकि जिन्हें ससुराल के संस्कार होते हैं वो कुछ और होते हैं। जिस रिश्ते के बीच में ससुराल में कन्या ने देखना, लोगों ने देखना, वो संस्कार होर होते थे, और पेके के बीच में कन्या ने देखने, वो संस्कार साड़ी बेटी है, पुत्री है, दुर्गा है, कन्या है, शक्ति है, उस ससुराल के बीच में संस्कार हो, उस सब ने दया दृष्टि से देखने, बड़ी गंभीर दृष्टि से देखने, जीन मान धर्म से देखना है, तो फिर वो बच्चे को संस्कार। जीजा भाई ने बड़ा प्रेम से शांति से सारी शिक्षा एकत्र कर, और बड़ा प्रेम से शांति से अच्छे अच्छे दत्तात्रेय की फोटो, तो कितने शूरवीर हुए से, कितने मातृभक्त हुए से, कितने भी जाना आगे तब्दे के लिए गोलकुंड की चढ़ाई के ऊपर, जिस टाइम के बीच में चढ़ाई खत्म कर दे, तो माता का फार दूर सी भी सीखे ने भी मैं युद्ध के लिए तय जाना, फिर वो कहने के तरह के फोटो नहीं है, नहीं कहने का निष्कार करके गोलकुंड की चढ़ाई के ऊपर निष्कार करके फिर गया से विजय प्राप्त हो जी बाई किले पर, बाई किलिया शिवाजी ने विजय प्राप्त कतल की थी, कृपा से जी जवाई की कृपा से, मातृ कृपा से, आज्ञा के अनुसार कतल। इसलिए बलिया तुसी मर्यादा छट गई, निजम छट गई, तो भगवान जग कर रहे हैं नी बलि, जग की प्रकाश का होंगे एक प्रकार का नहीं होंगे, कि नेत्रा का जग नहीं, पंज ज्ञान इंद्रियां जग नहीं, पंज कर्म इंद्रियां जग नहीं, मन का जग नहीं है, मन का संकल्प मन का, तो मन का जग भी स्थित है, इतने बड़े जगी नहीं तो बहुत बड़ा जग है। जेड़ा मन से कोई बकारा ना चिंत नहीं करना, शुभ चिंत नहीं करना है, असि शरीर नालों मन से पाप बड़े करते, दिन नालों रात में पाप बड़े करते, बकारा का चिंतन कथन कर। देखिए कई दफा दृष्टांत सुनाया होगा, एक सज्जन किसी मंदिर में चले गए, एक गोल्टा की दुकान से चले गए, तो तड़के साइन बोर्ड पढ़िया, वो तो पश्चाताप करता है, गंगा पे स्नान करता है, कितने नलायक घर में आ गए, ये परमात्मा कितने भेजे, अरे एक मंदिर में शंकर में वो बकारा का चिंतन करता है, जो भोगी आदमी दूजे से राजी नहीं, जोगी कला रह के राजी, दोनों की मृत्यु है, तेरी दुर्गति होगी वे, तेरी सुरगति होगी, जेड़ा गणका भी कोटा भी दुकान गया उसका पाशाताप कर रहा, इसलिए पाशाताप करने से पापा का नाश सुन रहा, वो सुरगति होगी, मंदिर जेड़ा बकारा का चिंतन करता है वो दुर्गति होगी। तो भावना आ गई रही भावना जिनकी, जैसी प्रभु मूर्ति देख मल्लावर स्त्री मूर्ति परदेवतास्ती रंगो गर्ज भागवत दत्ता भगवान जिस टाइम के बीच में जंगल के बीच में कंस ने बड़ा प्रेम से क्रूर अति बुला के लगे वृंदावन से, महाराज बड़ा मेला है तुसी भी देखो, दोने भाई तो मतलब ऐसी कंस दे कृष्ण मैनू वासवाणी हुई सी, तो मैनू ये मारेगा कृष्ण मारेगा, तो मैनू बच्चे उन्हें नहीं मरवा दे, और दंगल कोई ना बहाना कथन करके सदा
और माता पिता का कथन करते बेटा उसे की करोगे, वो तो ठीक नहीं, तेरे नाराज पै तेरे का बखेली है। वो कहने लगे माता जी तुम तो ख्याल ही ना करो, ना पार पर्वतान ना पार पर्वतम ना भार ना से नस को मां भारू भारू बर्बाद खाचका, मैंने किसी चीज का पार नहीं। धरती माता कहती है मैंने किसी चीज का पार नहीं, ना समुद्र ना पहाड़ा ना पार पर्वतम ना भारू समुद्र ना कोई पार, पर जेड़ा करे हुए कार ना मिलने कर टिकाणा। धरती माता कहती है ये मैं थोड़ी चकई दी, ये सारा नाम पर किरत कर करे हुए प्रकार में जो नाम उन्होंने किरत कर कथन किया। तो फिर परमात्मा तो बड़ा दयालु है, किनिया प्रार्थना कर दिया अपना हे प्रभु नरक चो कटो, तो फिर जो युवा अवस्था आ जाती है इतने मात लोग तुम्हें सब को भुल जाना, उसका नाम सब भुल जाना, जग धर्म सब भुल जाती है। तो फिर किरत करना चाहो, किरत करनी बनना चाहो, वो परमात्मा ने थोड़े से बड़ी कृपा की थी, ये तू हीरा जन्म मिलना मुश्किल है। बड़ा प्रवेश नर तू बड़ा प्रवेश, परमात्मा मत पा उन्हें याद कर, जे नहीं बन तो सो शब्द कर लो, दो माला राम राम याद के दो माला तड़के, और मन मन से करो, जो मन बकारा ना भरिया पे फिर मन च को सो चिंतन है ऊपर से हो भाई खा गए भगवान। बड़ा प्रिंस रास्ते के बीच भी जो कुछ सेवकों ने मिलना होर मिलना सर, अरे उन्होंने भी कार्य कर भी तुरी कुबड़ी आदि चलने लेके कंस वे लिए ले जाती थी, वो कहने माता जी तो मैं ही ला दूंगा ना तेरा कुछ सीधा कर दे। दंगल के बीच में आलो भगवान मल्ला मछली जब भगवान गए भगवत सलो गए वेद व्या कह रहे हैं मल्ला जेडे बड़े बड़े मल से पहलवान उन्होंने तो मृत्यु दे 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 भगवान, देख लो कैसा निगाह निगाह के बीच में फर्क, तो एडे एडे भगवान तो बच्चे से पर उन्होंने रूप रेखा ऐसी दिसी भी मृत्यु पहाड़ का पहाड़ी है मार्ग पर उत्तम श्रेष्ठ मल्ला जो स्त्री आदि बुढ़िया आदि सी भावना सी बहुत सुंदर रूप दिशे भगवान उत्तम श्रेष्ठ, जिसे काम करो दादी का रूप रेखा होती है छल बड़े बड़े तंश मान उन्होंने बड़ा रूप भगवान का आज किस किस दी भगवान ने महिमा कथन करा, ये हाथ कैसे हड़गे पैर कैसे हड़गे कटी पार कैसा है, उससे ये मंगल की चीजा ने उस जगह के बीच में जितनी कोई माई ताई खड़े से, तो फिर इसमें तो ये पता लगता है भी जिडी कोई धर्मात्मा माता या कन्या खड़ी गए सी तो विद्वान तो बिना गुणी तो बिना तो ये गुणी नहीं कह सकते, तो जे ना पढ़ी होनी उनकी पता से भी इतनी मनुष्य कैसी कैसी अंग जी हनी है अगर पुणात्मा में पापी भी आ होंगे बड़े प्रेम से शांति से उत्तम से दुर्योधन ने जिते अन्ना का बड़ा प्रेम से व्याख्या चलती है उसे पापी भी अंग नहीं चलती, जेडे दुर्योधन के बच्चों से शरीर के ऊपर अगर जो जिस दिन वो हो पापी आ गए तो कृष्ण के जो लक्षण से शरीर दे अगर वो हो इस तरह तो पुणात्मा है, तो इसमें पता वो विदुषा थी अनुमान से पता लगता है वो जितनी माई ताई सी बड़ी विद्वान सी शास्त्री वक्ता सी थी, भगवान के चरण कैसे होने चाहिए पैर कैसे होने चाहिए मस्तक कैसे होनी चाहिए रेखा कैसे होनी चाहिए जो तो सह, तो ये चिन्ह जो मनुष्य में हो जिसमें तो भगवान का अवतार मल्ला मछली भी मन तो जेडे राजे से वो भी भगवान देखने से जित्तू हुआ आप विजय प्राप्त कथन कर, तो कंस का मृत्यु देखता से आप बड़ा प्रवेश भी इतनी बातें तो बहुत बलवान बड़ी शक्तिशाली नेत्रा नेत्रा के बीच में देख लो फर्क कितना इतना
जेड़े गरीबों से है, तो माँ का बच्चा देख लिए, छथाना से दूध आ गया, छाती में दूध गिरने लग गया, मेरे बच्चे ने मार दू, अगर छोटा है और जेड़े इतनी रंगो गतत गर्ज जेड़े हो मित्र प्यारे से, वो देखने में साडा सुगंधी है, बड़ा अपने से शहद को पक करेगा ना ही मारे कंस, या कंस बलवान है बच्चा, ऐसे ऐसे रही भावना जिनके जैसी पर मूर्ति देखी थी, और जैसे जैसी भावना, अगर जैसी कन्या दे भावना, माता दे भावना, वृद्धा दे भावना, साधु ब्राह्मण दे भावना है, जीव के भावना ऐसे सही, तो जो सारी यही बन गई भावना बेड़ा पार। देखिए बड़ा प्रेम भगवान बारह तल भाई इतनी बात है, भूमि दे दे ताई कर्म जिस पापी को मारने के लिए, और जिसे धर्म की गलती होती है उसे थोड़ा घना झूठ बोलिया जाए तो कोई डर, ब्याह के बीच में झूठ बोलने का इन्ना पाप आदि नहीं होंगे, तो कट्ठे हुए होंगे बड़ा प्रेम, विपत्ति के बीच में झूठ बोलने का एडा पाप नहीं, किसी की जीविका बजती है, गरीब की कन्या की शादी आदि हैगी संपत्ति की, उसे थोड़ा घना झूठ बोलिया जाए तो इतना पाप सत्य नहीं है, सोते ही इतनी माता बोलिया जाता है, तो भगवान ने कसम की है पापी हुए पता नहीं पे, अगर मजा रहा शब्द ढाई कर्म में कर्म ढाई धरती मंगे पान गुरु बहाना बाबा नाम कथन करते होंगे, एक सुरख च पैर एक पताल में ठोक, दो कर्म च नपली सर बर्मा ने चरण धोरी, गंगा जो दो निकली है गंगा उदो इस तोरी है भगवान ने चरण धोरे से बर्मा ने, भगीर सिंह थोड़े व्डे नहीं लेंदी भी इतनी तुम लेंदी है गंगा, कोई लियाने वाला होर से सूरजी वाल क्षत्रिय राजा से ऐसी तपस्या की थी, पर कर्म लंबा चौड़ा है, सगल के पुत्र मर गए थे कपिलदेव के शराब से, उस गंगा लियानी पड़ी बड़ा प्रतीक्षा, भगीर सिंह गंगा लियानी पड़ी, रघु के चेले से गायत्री का पाठ करते से वो गुरु वाल स्वाहा पर सब कुछ बड़ी नहीं बरतो दे बस धीमी धीरे उतरी ए मंत्र, ऐसे प्रकार उत्तम श्रेष्ठ अद्धि कर्म जी, वो कहने की हम तो मेरा शरीर है तो शरीर में नप लेनी अद्धि कर्म रही है, जे दो च सारा देश नप ले, बड़ा प्रेम से शांति से भगवान ने भी झूठ वाला कम चकता सी आप ढाई कर्म ये ढाई कर्म बड़ा प्रेम से शांति से उत्तम श्रेष्ठ पताल च पे भगवान कहेंगे वरुण गुरु ही मैं तेरे ते खुश हूं, कहते बार की गल जो तेरा रूप धारण किया मेरा पैदा लिया गया बवंजा उंगलों का जरा रूप है तेरा दरवाजे से खड़ा, अच्छा ठीक है जो दरवाजे से भगवान खड़ना पड़ गया तो फिर शंख किधर जाओ ब्रह्मा किधर जाओ देवते किधर जाएंगे, तो कराणी तो छाया है बुढ़िया लक्ष्मी नहीं भी रहना पड़ूंगा, बड़ा प्रेम से शांति से तुम से, अगर बने तो दानी आदमी, दानी का दर्जा सबसे बढ़ता है, बड़ा प्रेम से शांति से उत्तम से सत्य से जायते शुरा सहस पंडता भक्ता दस दाता भक्ति बाबा होवे ना होवे ना ही कोई होवे तू होर बार की चाहे, कहना जी जी मैं राज करनी मैं मात लोग का राज कर, कहीं दे इतनी बात है तीन दिन तेरा राज है मात लो एक धक्का लगा दिन आ गए चौदह, अरे एक मस्या आ गई एक पिछला दिन आ गया, बड़ा प्रेमश अद्धी रात तो बाद चले जाने तीन दिन फिर बली होगा इतनी तो रहेगा कहां मात लोग के बीच में, तो जिस जगह के बीच में बद फैली हो गई है बेर बेर कम चलते हैं, अब जिससे कोई प्रकाश नहीं है
अगर दीविया भी कभी ज्यादा जगाए जाते हैं खोपड़ा प्रेम से कितने लगे जी बनी आ जाएगा उत्तम श्रेष्ठ बड़ा प्रेम प्रकाश करो बड़ा चमक्खा दीवा तो मचते रहे गऊ दे के होगा जो तेल तो ठीक है आटे का बनावे दीवा आटा भी सतनाजा सतनाजे का दीवा बनाए ओदे विच में फिर चार बत्तियां घ्यो दा पाते पहना रखे और लक्ष्मी फिर वो चार दीवे जगदे फिर चार पदार्थ लेके आउंदी तरमत कामोक्ष चमखे दीवे ते चार पदार्थ लेआउंदी दरवाजा खुला रखो पहरा रखो किसी घर के बाद भिन्ने चक ले जाने चोर दरवाजा खुला रखना पहरा रखना पड़ेगा बड़ा प्रेम से अगर उत्तम श्रेष्ठ चोरी उत्तम चच्चा कह गया गल है पर भी प्रेमी जिन्ना चिर मुखिया ना बिगड़े मौके का कर्मचारी चोरी होनी मुश्किल कतल होना मुश्किल मुखिए बिगड़ते हैं जिन्हों के हाथ डोरा हैं पबलिक को संभालना जिन्ना ने वो ना बिगड़े जो रिश्वतखोरे हो गए जवान के चट्टू बन गए इंद्रिया के गुलाम बन गए तो पबलिक किधर जा रहे भगवान जिस टाइम के बीच में चले जाते हैं तांशु नीचे ठोक देंगे तांशु नीचे से तिखा है जो मेरा पल मूरे छुरा ला दे दुश्मन के साथ लड़ाई झगड़े के तो बड़े प्रेम से शांति से मेढक दे बजे डड्डू दे बजे वो पले मानस तू इतनी बात है थोड़ा घना बोलना सी मैं पता लग जाता वो कहने के प्रभु बोलते तो अगर इतनी बात है किसी से फरियाद करनी जिन्हें कोई फरियाद करनी जब वो ही मारता है तो फरियाद के लिए कोई करिए रुके के लिए कोई जाते ऐसे लिए बड़ा प्रेम तेरे को ही करना जी मैं समझ भगवान कह लगे मैं तेरे ते हथ फेरता हूं अब तेरे ते जल्दी जल्दी चोट नहीं कोई मारेगा ऐसे लिए तू शब्द खूबी जो बोलता परसा भी खुशी होंगी है भगवान याद करता कई कहने टुर टुर कर नहीं जी और बड़ा मेरे मिट्टी के खिलौने वाला तो याद करे तेरे राम वो भगवान याद कर तो फरियाद के लिए कोई गिर गए लोट चाहिए मुर्गे शराबा चाहिए तो फिर गरीब कितों दे बड़ा प्रेम से शांति फिर न्याय न्याय कितों होजूगा चोरियां डाके जिन्हें इस खाते नहीं ना बिना भेद तो नहीं होते होंगे बिना सहायता तो नहीं होते होंगे बड़ा मुश्किल है इन्होंने प्रकार का उत्तम श्रेष्ठ इस प्रकार महाराजा तीन दिन होएगा राज शराब जूड़ा निंदा जुगड़ी और झगड़ेबाजी फुट दीव प्रकाश जितनी नहीं स्थित होगा बद फैली आदमी करके बीच में होंगे दियो तू मध्यम निंदा जुगड़ी और दियो तू मध्यम पिश तू विश्या व्यभचार एक कुकर्म जिथे सोनगी उथे फिर एक बली आएगी बली न कहने राज का तो आपके घर में रहो मुकदमा नहीं छेगा मदई मदैला दोनों की सफाई कर देंगे हम तक और बड़ा प्रेम से शांति जो रिश्ते जिस टाइम के बीच में जाते हैं भगवान कहने को की देखा था बाहर की देखा कहने जी हाथी से दो सुंड से वो दोनों तरफ ही खाई जाता फिर भी ऐसा तो माता जी रूपरेखा नहीं देखी फिर कहने कलयुग के लक्षण कलयुग के जेडे मुखी होंगे दोनों तो रप करद्या करेंगे मदाई मदैला दोनों में रगड़ दिया करेंगे बड़ा प्रेम से वकील है दोनों में रगड़ उधर भी ले लो उधर भी ले लो अगर इन्हें मुखी है ये दोनों ने लीला कथन करते हैं बच के रहा तो बड़ा प्रेम से मुकदमे भी गाल देंगे ना पूर्व के बीच में जब तब गाल देंगे तेन भाई जो शनि की साड़ सी जब तेन भाई जो मुकदमा फिर अजकल का
लगाई तो सही से चल गया तो कुत्ता, कुत्ते तो डरना पाता है बड़ा प्रेम, तीर जैसे राहु तो रोन चलता है, कांशियों मान चलता है, फिर कमाई करके भी कथन करोगे जो लड़ाई के लिए कथन करने में इतनी बात है, टल चो कुछ नहीं बिगड़ेगा। दो पाई नहीं कोई सलीक नहीं शब्द कहता सहन कर